वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको इस वाले कलर कॉम्बिनेशन में बहुत ही सुंदर और आसान तौर डिजाइन बना के दिखाने वाले हैं, जिसके लिए 4 प्लाई ऊन लेनी है, 15-15 ग्राम दोनों कलर ले लेने हैं और क्रोशिया लिया है 10 नंबर का। ये देखिए 3.25 mm का, यानी 10 नंबर क्रोशिया लिया है। तो स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, वीडियो पूरा जरूर देखें और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्टिंग करेंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे ब्लू कलर से। वन ट्वेंटी या 30 चेन ले लेंगे, 120 से 130 के बीच में इस तरह से चेन लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से चेन ले लेनी है। डबल क्रोशिया का धागा 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर डालेंगे और एक बॉक्स टाइप इसमें बन जाएगा। ये देखिए फिर दो चेन लेंगे, 1, 2, 3 दो चेन छोड़ देंगे, दो ही चेन लेनी है, दो ही चेन स्किप करनी है। इस तरह से ये बॉक्स बना के तैयार करने हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये बना लेना है पूरा राउंड। अब इस वाले धागे को यहीं छोड़ देंगे और स्टार्टिंग जहां से की थी उधर से हम दूसरा कलर शुरू करेंगे। तो यहीं से स्टार्ट कर लेंगे दूसरा कलर और हर एक बॉक्स में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। बिल्कुल आसान तोड़ पट्टी है, इस तरह से चेन ले लेनी है और डबल क्रोशिया बना लेने हैं हर एक बॉक्स में 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। और फिर सेम 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर सेम ऐसा ही डिजाइन नेक्स्ट राउंड में बना के तैयार कर लेना है। चेन ऑप्शनल है, नहीं भी लें तो भी ये सही बनेगा और लेंगे तो थोड़ा झोली आएगा, तो नहीं लें। अगर खिंचा हुआ लगे तो ही लें। ये देखिए बिना चेन के सही बनेगा ये एकदम, फिर भी अगर खिंचा हुआ लग रहा हो तो चेन ले सकते हैं। तो इस तरह से पूरा राउंड बनेगा। इसके बाद सेम ऐसा ही 3-3 डबल क्रोशिया के बाद डाल लेने हैं डबल क्रोशिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस वाले डिजाइन में ये तोड़न पट्टी बनाई, सिंपल सी तोड़न पट्टी है। आप अगर कोई और डिजाइन बनाना चाहें तो चैनल पर मैंने तोड़न पट्टी के और भी बहुत सारे डिजाइन डाले हुए हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। अब मैं इसे मैं डिजाइन बताने वाली हूँ कैसे बनाना है। तो देखिए ये मैंने तोड़न पट्टी बनाने के बाद ये डिजाइन इसमें मैंने एक राउंड ऐसा बनाया है, तो ये मैं दिखा देती हूँ कैसे बनाना है। एक डबल क्रोशिया ये बना लिया, इसके बाद हमें एक चेन लेनी है और उसके बाद इसमें डालना है। और डबल क्रोशिया बना लेने हैं, सेम चेन में 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं तो 6 ही इसमें भी बना लेने हैं। इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बन गए। एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद फिर यहां पर डाल लेना है इस वाले में। और डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन लेंगे और अब ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इस पर बना लेंगे 6 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से पूरा ये वाला डिजाइन कंप्लीट करना है और फिर यहां पर एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे।
तो ये देखिए इसी तरह से ये मैंने राउंड तैयार किया है बना के। अब मैं नेक्स्ट डिजाइन बताने वाली हूँ इसके लिए। तो जब ये वाला राउंड कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैंने ये देखिए ये वाला डिजाइन बनाया है एक पेटल बना के। ये वाला पूरे में बनाना है डिजाइन, ये वाला जो मैंने बनाया है अभी बताया है आपको कैसे बनाना है, 6 डबल क्रोशिया फिर 1 डबल क्रोशिया इस तरह से जो तोड़ पट्टी बनाई थी हमने इसके हिसाब से एक पर हमने बनाया है 6 डबल क्रोशिया, इस पर एक पर बनाया है 1 सिंगल डबल क्रोशिया। बीच में एक चेन लेनी है जिससे खिंचा हुआ न बने, और अगर नॉर्मल बन रहा है तो आप चेन नहीं ले तो भी चलेगा। तो इस तरह से बना सकते हैं। अब इसमें मैंने 1 2 3 4 5 पैटर्न, ये पैटर्न बनाए हैं इसमें 5, और 2 राउंड 5 के बनाए हैं, उसके बाद 4 के बनाए हैं 2 3 के, और ये 2 के, और फिर 1 1। तो ये देखिए इस तरह से ये राउंड बना के तैयार करने के बाद अब हम पिंक से डिजाइन स्टार्ट करेंगे। इस तरह से नॉर्मल गांठ लगा लेनी है या क्रोशिया से भी कर सकते हैं। और डिजाइन हम जैसे ही फर्स्ट वाली पेटल खत्म होती है उसी के नेक्स्ट वाले डिजाइन से स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए बीच में डाल लेना है, यहां पर हमें 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 और ये 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 6 ट्रिपल क्रोशिया होंगे चेन वाले के साथ में, 2 हो गए, फिर बीच में एक चेन लेनी है, फिर बनाना है 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 1 चेन, इस तरह से 6 ट्रिपल क्रोशिया टोटल है होंगे एक जगह पे, सेम जगह पे 4 5 1 चेन और ये 6 ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं, फिर 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद नेक्स्ट वाला जो 6 डबल क्रोशिया का है उसके बीच में बांध लेना है, फिर 2 चेन लेनी है और 3 ट्रिपल क्रोशिया शुरू कर लेना है नेक्स्ट वाले में। ये देखिए इस तरह से एक पर ये होगा, एक पर बांधना है, तो 6 डबल क्रोशिया हैं तो बीच में डाल लेंगे। बीच में एक चेन लेनी है, इस तरह से पूरा राउंड ये बनेगा। और ये मैंने कितने बॉक्स बनाए हुए हैं एक पेटल में, 1 2 3 4 5, ये 5 है, 5 के 2 राउंड है, तो इस तरह से 5 यहां पर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये 5 जगह पे ये डिजाइन बनाया है सेम फर्स्ट वाली पेटल की तरह ही। अब ब्लू कलर लगाएंगे इसमें, ये 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं ब्लू कलर के, 2 डबल क्रोशिया एक जगह पे, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं बीच में 2 चेन लेके, जिससे ये शेप आए इसमें। यहां पर 2 चेन ले लेनी है और सेम इसी में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह का डिजाइन आएगा। बीच में एक चेन लेंगे, चेन लेके फिर नेक्स्ट में शुरू कर लेंगे 2 डबल क्रोशिया, सेम इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे।
तो सेम इसी तरह से सभी पर बना लेना है। उसके बाद हम सिंगल क्रोशिया से इसकी पिंक कलर से फिनिशिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया का राउंड ले लेना है एक। यहाँ पर दो या तीन चेन सेम इसी की तरह बनाना है, दो या तीन चेन लेके ये शेप आ जाए इस हिसाब से बना लेना है। ये देखिए ये बनके तैयार हो गया है। अब टर्न करेंगे यहीं से और जो पिंक कलर है इसी को हम सिंगल स्टिच के साथ में बीच में लाएंगे एक और राउंड। और पांच ये जो बनाए हैं पांच बॉक्स सेम इसी के हमें बनाना है। उसके बाद हमें कम करना है पांच राउंड के, दो राउंड के बाद। तो ये हम बीच में आ गए, फिर से हमें यही डिजाइन स्टार्ट करना है फाइव चेन लेके। देखिए ये हो गया। अभी हमें यहाँ बीच में दो चेन लेके और नेक्स्ट वाले में जाना है, इस वाले में। तो ये वाला डिजाइन मैं रॉन्ग साइड से बना रही हूँ। ये देखिए ये राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से ये बनाएंगे तो ब्लू और जो सिंगल क्रोशिया है ये राइट साइड में एकदम बढ़िया डिजाइन आएगा। तो दो चेन लेके बाकी का छोड़ देना है, इस पूरे को क्रॉस कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से कंटिन्यू बना लेंगे। उसके बाद ब्लू डिजाइन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर हमें पांच बॉक्स से चार बॉक्स पे आ जाना है दो राउंड के बाद। और जो कम करने हैं वो हमें बीच वाली साइड में कम करने हैं, किनारों पे हम सेम बनाएंगे पूरा डिजाइन। ये देखिए सभी में कम नहीं करना है इस साइड में, किनारों पे कम हमें करना है बीच वाली साइड में। तो ये वाला नेक्स्ट ये वाला छोड़ देना है और यहां से स्टार्ट करना है दो पेटल्स जब बन जाए इसकी दो पेटल्स। ये देखिए तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से पेटल बना के तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइन है। ये बीच में जगह है, यहाँ पर हम झालर लगा लेंगे। तो झालर जो लगाएंगे ये ऑप्शनल है, लगाना चाहे तो ठीक है, नहीं स्किप भी कर सकते हैं। तो बीच में एक मैं ये इस वाली लेंथ की झालर लगाऊंगी। झालर कैसे बनानी है ये चैनल पर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो में बना के दिखाई हुई है। इस तरह से स्टिच करना है इसे। ये देखिए ये बीच में लगाई है जो जगह बची थी। अब हमें ये जो दो दो राउंड बना के छोड़ रखा है दूसरे राउंड पर बांधना है, यहां पर यहां पर इस तरह से बांधना है। तो सभी पर बांध लेते हैं ये वाली झालर। तो ये देखिए इस तरह से झालर वगैरह बांध के तैयार कर लिया है। तो बहुत ही सुंदर डिजाइन लग रहा है। तो ये देखिए इस तरह से ये कंप्लीट कर लेना है, बहुत